ये रहा, अब हम लोग नेट के ऊपर में चले जाएंगे ताकि हम लोग राउंड टू स्टार्ट कर सके। और ये बूम, वेलकम टू क्लास गाइड फ्रेंड्स। प्रीवियस एपिसोड्स में हम लोगों ने मिशन लैंड ऑन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इन सैन मार्टिन एंड हातिन को कंप्लीट किया था, और आज हमारा जो मिशन है वो है वीक 7 के अंदर में चैलेंज मिशन लैंड ऑन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इन एल पोजो 3 times। सो 3 rounds में हमें इसे कंप्लीट करने होंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा जो एल पोजो सिटी है वो हमें मिलेगा मीरामा मैप के अंदर में। सो इसके लिए हम लोग चलेंगे अपने क्लासिक मोड में, वहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे मीरामा मैप को। ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है और अब हम लोग मैच मेकिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। सो यहाँ पर से मैच मेकिंग स्टार्ट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा एल पोजो सिटी इनसाइड मीरामा। एक चीज़ जो आप यहाँ पर ध्यान दें वो ये कि एल पोजो के अंदर में जितने भी बिल्डिंग है उसको मैंने रेड ओवल शेप से मार्क कर दिया है, अनलाइक सैन मार्टिन जहाँ पर सैन मार्टिन का एरिया थोड़ा बहुत इनकन्सिस्टेंट है, बिल्डिंग कभी कभी वो दूसरे सिटी के अंदर में आ जाता है। एल पोजो हातिन सिटी की तरह ही बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो यहाँ पर मैंने 1300 मीटर पहले जंप लगा लिया है और बिल्कुल हम लोग फॉरवर्ड की तरफ अभी प्रेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को अपने आप को पोजीशन करना होगा सिटी के ऊपर में। तो यहाँ पर पैराशूट ओपन हो चुका है, अब हम लोग यहाँ पर से नॉर्मल फॉरवर्ड प्रेस करेंगे, जो कि मूवमेंट टैप पर आपको अपवर्ड रखना है और राइट हैंड साइड पर आपको स्वाइप करना है। और हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे कि 2-3 बिल्डिंग जो भी आसपास हो वहाँ पर हम लोग अपने आप को लैंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं अभी कौन सा बिल्डिंग यहाँ पर नज़दीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग हो चुका है। तो ये 1 of 3 हम लोग का राउंड कम्प्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पर अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाले हैं, क्योंकि जनरली मैं अभी मिशन पर हूँ तो गेम को आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अपने आप पर नेट करेंगे और इसको मैं यहाँ पर लो टॉस पर सेट कर देता हूँ, और ये मैंने यहाँ पर से थ्रो कर दिया है। ये रहा, अब हम लोग नेट के ऊपर में चले जाएंगे ताकि हम लोग राउंड टू स्टार्ट कर सके। और ये बूम, तो चलिए यहाँ पर से अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि लैंड ऑन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। तो ये 1 of 3 रजिस्टर हो चुका है यहाँ पर सर्वर पर। और हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से सेकेंड राउंड की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, एल पोजो सिटी के बिल्कुल ऊपर से होकर के हम लोग का फ्लाइट गुजर रहा है। तो बिल्कुल अपने आप को पोजिशन तो ऑलरेडी ये हो चुका है, बस केवल वेट करना है लास्ट पैराशूट ओपन होने के बाद कि कौन से बिल्डिंग आसपास है। तो वहीं पर से किसी एक बिल्डिंग पर हम लोग लैंड करने की कोशिश करेंगे सक्सेसफुली। सो फ्रेंड्स, अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पर जो हमारा मिशन है जिसमें कि हम लोग को सिटी के बिल्डिंग के ऊपर लैंड करने होते हैं, उसमें सबसे जो टफ है वो है सैन मार्टिन, और ये बिल्कुल हातिन सिटी की तरह ही बहुत ही ईजियर है। आप इसमें विदाउट फेल आप आराम से 3 attempt में ही 3 बार इस राउंड को कंप्लीट कर, तो आपको यहाँ पर केवल 3 attempt में ही आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बिल्डिंग्स यहाँ पर आसपास हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो राउंड 2 भी रजिस्टर हो चुका है, और हम लोग यहाँ पर से एक राउंड और लगाने वाले हैं। हम लोग का जो फ्लाइट है उसके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर एल पोजो सिटी है, तो ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। तो राउंड 1100 के करीब मैंने यहाँ एक बार फिर से जंप कर दिया है, और फिर से हम लोग अपने आप को इस बार पोजिशन करना होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए पोजिशन करना। तो देखते हैं इस बार कोई एक अच्छा सा एरिया हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर हम लोग फिर से लैंड करके इस मिशन को कंप्लीट कर सके। तो 50 RP points आपको मिलते हैं मीरामा में एल पोजो सिटी के ऊपर लैंड करने के लिए, और 50 RP points से ही आगे बढ़ करके आप अपने RP लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखता हूँ अभी, तो ये आप देख सकते हो जब आपको लॉन्गर डिस्टेंस को ट्रैवल करना होता है तो आपको केवल फॉरवर्ड प्रेस करना होता है लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर की ओर, और जो हमारा राइट हैंड साइड की तरफ जहाँ पर आप स्वाइप करते हो उसको आपको डाउनवर्ड रखना पड़ता है ताकि आप 20 kilometers का जो स्पीड है उसको आप अचीव कर सकें। तो यहाँ पर लास्ट में जब पैराशूट ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत स्विवेल होता है, तो आपको कंट्रोल करना होगा अपने मूवमेंट को, और यहाँ पर हम लोग आगे की तरफ अब आगे बढ़ना होगा। और ये आप देख सकते हो एक बार फिर से हम लोग का जो राउंड 3 है वो भी अब कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पर से एक बार फिर से गेम को क्विट करने वाले हैं वापस आकर के। तो चलिए आप बस थोड़ा बहुत शो ऑफ करते हैं, बस यहाँ पर इमोजी को प्ले करते हैं क्योंकि हम लोगों ने राउंड 3 कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली, और हम लोग को 50 RP points अभी मिलने वाले हैं। या डेट्स इट, या डेट्स द वे टू डू इट। तो यहाँ पर देख सकते हो न्यू मिशन कम्प्लीटेड। तो वापस से हम लोग लॉबी में आते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो RP मिशन, आप देख सकते हो यहाँ पर राउंड 3 भी कम्प्लीट हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हो वीक 7 के अंदर में लैंड ऑन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इन एल पोजो सिटी 3 times ये हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिया 50 RP points के लिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और फ्रेंड्स हम लोग मिलेंगे न्यू एपिसोड में कुछ और न्यू मिशंस के साथ। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।